हेलो, मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मगेरिंग इंजीनियरिंग क्लासेस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्ट्रोबोस्कोप। तो सबसे पहले हमें इसका एप्लीकेशंस, कंस्ट्रक्शंस, एडवांटेज और इसकी जो कार्य प्रणाली है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, स्ट्रोबोस्कोप है क्या। स्ट्रोबोस्कोप का जो प्रयोग है वो लीनियर स्पीड या एंगुलर स्पीड, रेखीय चाल, रेखीय गति या कोणीय गति के मापन के लिए किया जाता है, मेजरमेंट के लिए किया जाता है। यह गति को मापने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त एवं सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली डिवाइस है, युक्ति है। इसको यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर होता है, ठीक है ना। इसके द्वारा हम गति को मापते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर है। इसका नाम स्ट्रोबोस्कोप टैकोमीटर भी होता है। यह एक सरल सुवाह्य और हस्तचालित यंत्र है, यानी एक आसान से इसको इजी है, बहुत आसान है इसका प्रयोग करना, और इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, और इसको हैंड ऑपरेटेड है ये, ठीक है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, रोटरी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो उसको हम फ्रीक्वेंसीज को मेजर करते हैं, ठीक है। और इसमें हम एक फ्लैश लाइट का प्रयोग करते हैं। तो इसको पहले आगे समझने से पहले पहले हम इसके डायग्राम देखेंगे, फिर हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम्स देखते हैं कि एक्चुअली में इसमें है क्या ये, फिर हम इसको समझेंगे, इसकी कार्यप्रणाली को। ये एक डायग्राम है, इसको भी मैं बाद में समझाऊंगा ये क्या है। डायग्राम मैंने जानबूझ के दिखाया है। सबसे पहले हम स्ट्रोबोस्कोप के डायग्राम देख लेते हैं कैसा होता है। तो ये एक स्ट्रोबोस्कोप का डायग्राम दिखाया गया है आपको। तो इस स्ट्रोबोस्कोप के डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये पूरी डिस्प्ले यूनिट है। ये क्या है, पूरी डिस्प्ले यूनिट है, इसमें सब कुछ आएगा, ठीक है। तो इसमें आरपीएम वगैरह आएंगे, ठीक। तो इसमें आप देख रहे हैं दो नॉब होती है, एक होती है कोर्स एडजस्ट नॉब और एक होती है फाइन एडजस्ट नॉब, यानी जब हमें आरपीएम को ज़्यादा ज़्यादा करना होता है, ज़्यादा वेरी करना होता है, तो हम कोर्स एडजस्ट नॉब का प्रयोग करते हैं, और जब उसे कम एडजस्टमेंट करना होता है तो फाइन एडजस्ट नॉब का प्रयोग करते हैं। ये पावर स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, रेंज स्विच होता है, रेंज होती है मिनिमम वैल्यू कितनी रखनी है हमें और मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखनी है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्ट्रोबोस्कोप होता है ये एक्चुअली में एक तरीके से जो है वो इसमें हम इसका लाइट की फ्लैश उत्पन्न करते हैं, जैसे मोबाइल के कैमरे में फ्लैश लाइट होती है, तो उसी तरीके से हम इसमें एक फ्लैश उत्पन्न करने के लिए लाइट सोर्स का प्रयोग करते हैं। उसको हम स्ट्रोबोट्रॉन कहते हैं, स्ट्रोबोट्रॉन, STROBOTRON, स्ट्रोबोट्रॉन कहते हैं। तो स्ट्रोबोट्रॉन क्या होता है, वो एक गर्म कैथोड है ना, गर्म कैथोड गैसीय विसर्जन ट्यूब होती है, ठीक है। तो इसमें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना जीनोन, तो जीनोन एक गैस है, तो उस जीनोन का लैंप है यहाँ पर, तो उसका हम इसमें प्रयोग करते हैं। इसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है और दो ग्रिड होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, डिवाइस है, ये एक डिजिटल स्ट्रोबोस्कोप है। कैसा है, डिजिटल स्ट्रोबोस्कोप है। इसके अलावा और इसमें क्या होता है, हैंडल भी होता है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें आप जो देख रहे हैं ये एक हैंडल है, तो हैंडल ये है जिसको इस यहाँ से कैरी पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं। दूसरा डायग्राम भी इसी का है, बस ये है कि इसमें जैसे ये शाफ्ट है, ये जैसा आपने देखा होगा लेथ मशीन का जो चक होता है, थ्रीजा चक होता है, उसके अंदर जो स्पिंडल होता है, तो उसमें जो सिंपल टर्निंग ऑपरेशन करते हैं, तो माइल्ड स्टील का वर्क पीस लेते थे हम, और हाई स्पीड स्टील का कटिंग टूल लेते थे। तो इसमें ये जो वर्क पीस रखा है, ये जब ये रोटेट करता है तो इसकी स्पीड को हमें मेजर करना होता है, तो वो हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो ये इसका एक एप्लीकेशन दिखाया हुआ है, बाद में डिस्कस करेंगे हमें कैसे क्या होता है। ये भी वही डायग्राम है, बस इसमें क्या है कि यहाँ पे ये मशीन का दिखा रखा है ऑन ऑफ करने के लिए, बाकी सब सेम है। ये भी वही है, इसको अभी बाद में समझेंगे, पहले डायग्राम देख लेते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये भी स्ट्रोबोस्कोप का डायग्राम है,
ठीक है। तो इसमें जो है नॉब लगी हुई है, इसमें ये नॉब लगी हुई है, उसमें ऑन ऑफ बटन थे, इसमें ये नॉब से सेटिंग करते हैं, ठीक है ना, रोटेट कराते हैं इस नॉब को, यहाँ डिजिटल रीडिंग मिलती है। और इसके अलावा फिर नेक्स्ट और देखते हैं डायग्राम, देखिए ये इस तरीके का है, ये भी डिजिटल स्ट्रोबोस्कोप है, ये भी एक स्ट्रोबोस्कोप है, ये भी, ठीक है, तो ये भी एक डिजिटल स्ट्रोबोस्कोप है, और ये जैसे टॉर्च होती है उसी तरह का कंस्ट्रक्शन है इसका, लेकिन ये भी एक स्ट्रोबोस्कोप है, डिजिटल स्ट्रोबोस्कोप है, और ये एक एनालॉग एनालॉग स्ट्रोबोस्कोप है। एनालॉग में क्या होता है कि इसमें हमें डिजिटल रीडिंग नहीं मिलती, इसमें हमें स्केल बना हुआ है, देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये पूरा एक स्केल बना हुआ है, इस स्केल पे हमें रीडिंग मिलती है, डायरेक्ट हमें डिजिटल रीडिंग यानी डिजिट्स में रीडिंग नहीं मिलती है, ये एनालॉग है, बाकी सारा चीज़ें वही होती हैं। ये का डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एक पंखा दिखाया हुआ है आपको, तो पंखे की स्पीड को अगर हमें मेजर करना है, पंखे के हमें अगर हमें आरपीएम को मेज़र करना है, तो आरपीएम को मेज़र करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं वो भी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डायग्राम्स देख लेते हैं सारे। फ्री आप डायग्राम देख रहे हो, तो ये भी हमें जो है एक सिंपल टेबल फ़ैन है, उस टेबल फ़ैन की स्पीड को मेजर करने के लिए, देखो ये एक यहाँ पे इससे लाइट इमेज बनाई हुई है, उस लाइट इमेज को से हम इसकी आरपीएम मेजर करते हैं, कैसे करते हैं बाद में देखेंगे। देखिए ये भी एक है, ये लैब में होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला डायग्राम, अब ये हमारी जो एमएमआई की लैब है उसमें ये होता है, उसमें एक पंखा होता है और एक ये स्ट्रोबोस्कोप होता है, इसके द्वारा हम जो है इस पंखे के आरपीएम यानी मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर करके। ये सिंपल हमने यहाँ दिखा रखा है, जो लेथ मशीन है, लेथ मशीन में जो चक होता है, तो स्पिंडल होता है, उसमें स्पिंडल के ऊपर ये चक लगा रहता है, ठीक है ना, होलो स्पिंडल होता है ना लेथ मशीन में, सेंट्रल लेथ मशीन में, उसके ऊपर जो चक लगा रहता है, तो उसकी उसके आरपीएम कितने आरपीएम पे घूम रहा है डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट के हमें आरपीएम कैलकुलेट करने हैं उस ऑब्जेक्ट से टच करने की ज़रूरत नहीं है, एक तरीके से ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर का काम करता है, यानी दूर से ही हम इसे जो है मेज़र कर सकते हैं आरपीएम। तो ये हमारे इसमें कुछ डायग्राम्स थे, क्या है कैसे है, ये वाला जो डायग्राम है ये लैब में हम प्रयोग में लाते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, फ़ैन वाला जो है। अब हम ये सारे डायग्राम हमने देख लिए तो हमारे दिमाग में आ गया होगा कि स्ट्रोबोस्कोप है क्या और उसके मेन पार्ट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। अब हम जो है देखेंगे कि जो स्ट्रोबोस्कोप है तो उसका एक्चुअली में कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मैंने कार का डायग्राम आपको दिखाया है, तो आपने देखा होगा कि जैसे कुछ लग्जरियस कार होती हैं, लग्जरी कार होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो कार का पहिया होता है, तो उसमें जो खाली जगह होती है उसमें कुछ लोग जो है डिज़ाइन की एक जाली नुमा जो है डिज़ाइन लगा देते हैं, तो या उसमें अलॉय व्हील्स के होते हैं, तो उसमें आपने कभी कभी देखा होगा कि जो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो वो जो डिज़ाइन बना हुआ है ये वाला, जैसे कि मैं इसमें हम देख सकते हैं ये वाला जो डिज़ाइन बना हुआ है इसमें, तो ये जो डिज़ाइन है ये कभी कभी जो है कार आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, आगे आगे की दिशा में जा रही है, लेकिन ये हमें हमें ऐसा लगता है कि ये विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं है इसका मतलब क्या है कि जो लाइट होती है ना, लाइट की जो जैसे ये कार का पहिया आगे की तरफ जा रहा है, अगर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो जो कार जो कार का जो पहिया घूम रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, तो क्या होगा कि यहाँ पर हमें जो है ये पहिया जो है वो विपरीत दिशा में घूमता हुआ दिखाई देगा, यानी अगर उसकी स्पीड कम होगी जब, लेकिन जब कार की स्पीड ज़्यादा होगी लाइट की फ्रीक्वेंसी से, तो हमें ये जो व्हील है ये फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमता हुआ, ये जो व्हील के जो ये डिज़ाइन बने हुए हैं, ये एक्सिल से ये जो बने हुए हैं, इसकी आर्म्स बनी हुई हैं, ये हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमती हुई दिखाई देंगी। तो यही हमें इसमें देखना होता है, यही हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो मेरे प्रैक्टिकल है, इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, कार किसी कार के पहिए में जब देखें तो उसमें दो तरीके से डिज़ाइन होते हैं, या तो उसमें ये इस तरीके से ये एक्सी इस तरह से ये छोटे छोटे ये इसमें आर्म्स बना देते हैं, या इसमें फिर यहाँ पे जाली नुमा एक संरचना होती है, तो ऐसे लेते हैं और उसमें ये इस तरीके से जाली नुमा से संरचना होती है वो लगा देते हैं। तो
उसमें हमें ये देखना है कि दो कंडीशन है, अगर कार की स्पीड कम है तो ये हमें जो आर्म्स हैं ये जो हैं हमें विपरीत दिशा में घूमती हुई दिखाई देंगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, जबकि कार आगे की दिशा में जा रही है। और यदि जो है कार की स्पीड ज़्यादा है, यानी कार के पहिए के आरपीएम ज़्यादा है लाइट के आरपीएम से, तो ये जो है हमें कार तो आगे ही जा रही है लेकिन फिर हमें ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए दिखाई देंगे। तो ये इसमें वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसमें बहुत आसान है ये स्ट्रोबोस्कोप का, ठीक है ना, आसान है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, हैंडी है, आराम से हैंड ऑपरेटेड है ये। तो इसको समझने के लिए बस यही है कि एक लाइट सोर्स से हम जो है इसमें एक लाइट की फ्लैश उत्पन्न करते हैं इसमें, तो फ्लैश लाइट उत्पन्न करते हैं, तो ये एक हमारा मेन है। और जो प्रकाश का जो स्रोत होता है वो जो है वो एक गर्म कैथोड गैसीय विसर्जन ट्यूब होती है, और इसमें एक कैथोड एक एनोड दो ग्रिड होते हैं। करना कैसे है इसमें, इसके कार्य प्रणाली को डिस्कस कैसे करना है, कार्य प्रणाली को जो इसको डिस्कस करना है हमें, तो इसके लिए जो है हम अपने मेन डायग्राम पे एक आते हैं। तो इसके से पहले हम सिंपल इसकी कार्य प्रणाली को समझेंगे, उसके बाद जो है और इसमें देखेंगे कि कहीं इसमें जो आरपीएम है वो कैसे कैसे हम इसमें निकालते हैं, कैसे हम इसमें सब चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि एक जो लाइट का सोर्स है जिसको कि हम स्ट्रोबो ट्रोन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्ट्रोबो ट्रोन, इस स्ट्रोबो ट्रोन से एक फ्लैश लाइट क्रिएट करते हैं। फ्लैश लाइट क्रिएट करने के बाद जिस शाफ्ट की हमें गति को मेज़र करना होता है, मापना होता है, तो उस शाफ्ट पे एक रेफरेंस मार्क लगा देते हैं, सिंपल एक ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, दो तरह की फ्रिक्वेंसी इसमें देखनी है। कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी देखनी है, एक तो जो स्ट्रोबोस्कोप है उससे जो फ्लैश उसकी जो उससे जो फ्लैश क्रिएट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, उसकी हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है, और जिस शाफ्ट की हमें आरपीएम मेज़र करने हैं उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रोबोस्कोप है उसका जो स्केल है शाफ्ट की गति के लिए कैलिब्रेटेड रहता है, यानी डायरेक्ट हमें शाफ्ट के आरपीएम मिलेंगे। स्ट्रोबोस्कोप को इस तरह से कैलिब्रेट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का क्या चक्कर है, फ्रीक्वेंसी का चक्कर ये है कि अगर हम जैसे ये शाफ्ट है, शाफ्ट पे हमने एक ही ऐसे मार्क लगा लिया रेफरेंस मार्क, तो ये जो हमने रेफरेंस मार्क लगाया है, संदर्भ चिन्ह लगाया है, इसमें ये देखना है हमें कि जो स्ट्रोबोस्कोप है, अगर स्ट्रोबोस्कोप की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति शाफ्ट पे जो हमने एक रेफरेंस मार्क लगा रहा है खा, यानी शाफ्ट का जो रेफरेंस मार्क है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वही शाफ्ट की फ्रीक्वेंसी होगी, यानी उस शाफ्ट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, स्ट्रोबोस्कोप की फ्रीक्वेंसी शाफ्ट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो जो मार्क है, जो रेफरेंस मार्क है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वामाव्रत दिशा में घूमेगा। दूसरा पॉइंट, यदि स्ट्रोबोस्कोप की फ्रीक्वेंसी शाफ्ट की फ्रीक्वेंसी से कम है तो जो रेफरेंस मार्क है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, और यदि स्ट्रोबोस्कोप की फ्रीक्वेंसी शाफ्ट की फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो इससे हमें जो डायरेक्ट उस समय हमें जो रीडिंग मिलनी होगी वो डायरेक्ट शाफ्ट के आरपीएम को बताएगी। तो रेफरेंस मार्क जो है स्टेशनरी हो जाना चाहिए, जब हमारा रेफरेंस मार्क स्टेशनरी हो जाएगा तो उस समय जो हमें स्पीड मिलेगी वो जो है वो डायरेक्ट शाफ्ट की स्पीड मिलेगी, शाफ्ट के आरपीएम मिलेंगे वो डायरेक्ट हमें। तो यही हमारे पास मेन कंसेप्ट है ये वाला, तो कब हमारा जो रेफरेंस मार्क है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, कब जो रेफरेंस मार्क है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, और कब जो है हमें जो शाफ्ट का जो फ्रीक्वेंसी है वो स्ट्रोबोस्कोप की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी और हमें डायरेक्ट शाफ्ट के आरपीएम हमें मिल जाएंगे। रेफरेंस मार्क स्थिर होगा तभी हमें हमारा आंसर सही मिलेगा। यानी इसमें आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से देख रहे हैं, कहीं पर आपको ये रेफरेंस मार्क है, यहाँ पे रेफरेंस मार्क दो दिखा रखे हैं, यहाँ पे तीन दिखा रखे हैं, तो ये कम या ज़्यादा होगा, तो जब शाफ्ट की स्पीड कम या ज़्यादा होंगी तो उस समय ये बनेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको प्रैक्टिकल को करना है। तो ये जो कम या ज़्यादा होंगे तो उसका उसके पीछे का जो लॉजिक है कि ये जो है कम या ज़्यादा हैं तो वो कैसे हैं। देखिए, कम या ज़्यादा वाली जो बात हो रही थी अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ पे है, ये हमने एक चार्ट बना रखा है एक समझाने के लिए। तो
देखिए ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं, अभी हमारा मेन डायग्राम है। इस डायग्राम में हमें क्या करना है, इस डायग्राम में हमें ये करना है कि इसमें हमें जो है एक तो एन लिखा हुआ है, एक जगह का लिखा हुआ है एन, एक जगह लिखा हुआ है एफ। तो एन जो है वो डिस्क या शाफ्ट के आरपीएम है, और एफ जो है वो लाइट के आरपीएम है, लाइट जो क्रिएट हो रही है उसके आरपीएम है। अगर जो स्ट्रोबोस्कोप की फ्रीक्वेंसी शाफ्ट की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ठीक, तो उस समय जो यहाँ पर रेफरेंस मार्क लगा हुआ है वो स्थिर हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा। तो ये स्ट्रोबोस्कोप है, ये शाफ्ट है या डिस्क है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि स्ट्रोबोस्कोप की फ्रीक्वेंसी डिस्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो ये जो रेफरेंस मार्क लगा हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं, शाफ्ट के ऊपर एक रेफरेंस मार्क लगाते हैं, जैसे ये वाला रेफर लगा हुआ है। तो अगर ये रेफरेंस मार्क स्थिर हो जाएगा, यानी ये घूमेगा नहीं, शाफ्ट तो घूमेगी लेकिन ये नहीं घूमे, हमें दिखाई देगा कि ये घूम नहीं रहा, तो उस समय हमें जो आंसर मिलेगा वो डायरेक्ट शाफ्ट के आरपीएम के मिलेगा। लेकिन यदि स्ट्रोबोस्कोप की फ्रीक्वेंसी शाफ्ट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो क्या होगा, तो उस समय जो है जो शाफ्ट है या डिस्क है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। वो कैसे घूमेगी, वो जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, जैसा कि इधर यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखी हुई है एन इज इक्वल टू एफ बाई टू। तो इसका उदाहरण जो है देने के लिए हमने यहाँ पे डाटा दे रखा है एक, कि मान लीजिए हमारे पास जो शाफ्ट की आरपीएम है वो 3000 आरपीएम है, हमें इसको मेजर करना है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो रेफरेंस मार्क है वो कब एक होगा, कब दो होगा, कब तीन होगा, कब पाँच होगा, तो वो हम यहाँ पे चीज़ चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो शाफ्ट की आरपीएम है हमारे पास 3000 आरपीएम, और स्ट्रोबोस्कोप की जो फ्रीक्वेंसी रीडिंग दिखा रहा है वो दिखा रहा है 3000 आरपीएम, यानी दोनों आरपीएम बराबर हैं। इसका मतलब जो हमारा रेफरेंस मार्क है वो स्टेशनरी हो जाएगा। केस नंबर टू में दिखा रहा है कि जो शाफ्ट के आरपीएम है वो 3000 आरपीएम है, और जो स्ट्रोबोस्कोप के आरपीएम है वो 6000 आरपीएम है, यानी स्ट्रोबोस्कोप के जो आरपीएम है वो ज़्यादा है, ठीक है, शाफ्ट के आरपीएम कम है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें जो है जो रेफरेंस मार्क है वो दो दिखाई देंगे, यानी और ये जो घूमेगा, यानी ये जो रेफरेंस मार्क है वो हमें ऐसा लगेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, क्योंकि लाइट के आरपीएम ज़्यादा है और शाफ्ट के आरपीएम कम है, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या है कि जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे 9000 आरपीएम, और शाफ्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो उतनी है 3000 आरपीएम, वो हमें मेजर करनी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर भी जो है जो हमारे पास लाइट है, तो लाइट की जो आरपीएम है वो ज़्यादा है शाफ्ट के आरपीएम से, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी जो रेफरेंस मार्क है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, और यहाँ एन बराबर कितना आ रहा है एफ बाई थ्री, तो यहाँ हमें रेफरेंस मार्क जो है जो हमने एक लिया था वो हमें तीन दिखाई देंगे, और वैसा लगेगा कि वो जो रेफरेंस मार्क है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और एक बार में जो है एक एक रोटेशन में जो है वो तीन बार दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, चौथा एग्जाम्पल देखिए, जो मान लो जो हमारे यहाँ जो शाफ्ट के आरपीएम है वो 3000 आरपीएम है, और जो लाइट की जो आरपीएम है वो 600 आरपीएम है। इस केस में क्या है, इसमें कम हो गया, इसमें क्या हो गया कि जो लाइट के आरपीएम है वो कम हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर शाफ्ट की फ्रीक्वेंसी से कम हो गई है, तो जो रेफरेंस मार्क है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखाई देगा, और इसमें हमारे पास जो है हमें ऐसा लगेगा कि एक रिवोल्यूशन में, एक चक्कर में हमें 5 बार रेफरेंस मार्क दिखाई दे रहा है। तो ये इसका मेन कंसेप्ट है, बस इसमें ये देखना है कि रेफरेंस मार्क क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कब घूमेगा। देख लीजिए, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी शाफ्ट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो जो रेफरेंस मार्क है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी शाफ्ट की फ्रीक्वेंसी से कम है तो जो रेफरेंस मार्क है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये हमने इसमें दिखा रखा था कि कब हमें जो है
और जो रेफरेंस मार्क है वो एक दिखाई देगा, कब दो दिखाई देंगे, कब तीन दिखाई देंगे, कब पाँच दिखाई देंगे, वो डिपेंड करेगा कि वैल्यू किसकी, वैल्यू कौन लाइट की, स्ट्रोबोस्कोप में जो लाइट उत्पन्न हो रही है तो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि सांप की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी देखेंगे। ठीक है, अगर जिस सांप की हम आरपीएम मेज़र कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम है तो वो जो है वो रेफरेंस मार्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखाई देगा। अगर सांप की आरपीएम लाइट के आरपीएम से ज़्यादा है तो जो मार्क है वो फिर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखाई देगा। तो ये इसमें मेन चीज़ है। अगर दोनों आरपीएम, मतलब अगर हमारा जो रेफरेंस मार्क है वो हमारा जो है वो स्थिर हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, तो यानी दोनों आरपीएम बराबर होंगे तो रीडिंग हमारी ओके हो जाएगी, यानी डायरेक्ट हमारी रीडिंग मिल जाएगी, डिजिटल रीडिंग मिल जाएगी। फिर आए स्ट्रोबोस्कोप का जो प्रिंसिपल है वो क्या है। स्ट्रोबोस्कोप का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि इसमें हमें जो स्ट्रोबोस्कोप से फ्लैश लाइट उत्पन्न हो रही है और जो डिस्क है या शाफ्ट है रोटेट कर रही है, जो उसकी जो फ्रिक्वेंसी आरपीएम है, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हमें सिंक्रोनाइज़ करनी होती है। सिंक्रोनाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप ये देख रहे हैं कि एक तो इसमें दे रखा है स्पीड सोर्स, यानी जहाँ से जिसकी हमें स्पीड जो है हमें मेज़र करनी होती है। दूसरी बात यानी इनपुट शाफ्ट। दूसरी बात हमारे पास ये एक सिंपल हमारा पोर्शन है जिसमें डिस्क लगी हुई है, एक छोटी सी शाफ्ट लगी हुई है, इस शाफ्ट को हमें जिसकी हमें आरपीएम मेज़र करना है उससे हम जोड़ देते हैं। फिर ये आप स्ट्रोबोस्कोप का पार्ट देख रहे हो, इसमें एक नॉब लगी होती है जिससे कि हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं, घटाते बढ़ाते हैं। एक स्केल लगा रखा है इन्होंने, ये एनालॉग टाइप का है या डिजिटल टाइप का भी हो सकता है जो कि फ्रीक्वेंसी को वैल्यू को दिखाता है। फ्लैशिंग फ्लशिंग बल्ब होता है, फ्लस जैसे कि जो फ्लैशिंग लाइट इसमें हमें क्रिएट होती है, जैसे कि मोबाइल के कैमरे से जब हम फोटो खींचते हैं तो फ्लैश लाइट दिखाई देती है, तो वही हमें इसमें दिखाई दे रही है। और ये आप रेफरेंस मार्क देख रहे हो डिस्क के ऊपर, तो एक डिस्क लेते हैं उसके ऊपर हम रेफरेंस मार्क मार्क कर देते हैं और उस रेफरेंस मार्क को जब तक वो रेफरेंस मार्क स्थिर नहीं हो जाता तब तक हम लाइट, ये जो स्ट्रोबोस्कोप से लाइट है उसको हम एडजस्ट करते रहते हैं। तो इसका मतलब शॉर्ट में मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ एक इसको मैं इसमें हमें एक्चुअली में करना क्या है। इसमें एक्चुअली में हमें ये करना है कि एक स्ट्रोबोस्कोप होता है, स्ट्रोबोस्कोप में लाइट सोर्स, लाइट फ्लस लाइट फ्लैश लाइट क्रिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसमें उस फ्लैश लाइट को हम घटा बढ़ा सकते हैं। स्ट्रोबोस्कोप पे स्केल लगा होता है, वो एनालॉग हो सकता है या डिजिटल हो सकता है। जो फ्लैश लाइट है वो जिस शाफ्ट की हमें आरपीएम मेजर करने हैं उस शाफ्ट के ऊपर गिर उसको हम गिरा उसको लाइट को लाइट गिरती है, लाइट जब गिरती है तो उस जिस शाफ्ट पे हमें आरपीएम मेजर करने हैं उस पर हम एक रेफरेंस मार्क मार्क कर देते हैं। उस जब तक अगर वो रेफरेंस मार्क हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, ये जो फ्रिक्वेंसी है उसको घटाते बढ़ाते रहते हैं। अगर ये रेफरेंस मार्क हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी हमें कम करनी है। अगर ये हमें रेफरेंस मार्क हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी फिर हमें लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, बस इतना करना है, ये एडजस्टमेंट है। तो ये हमारा इसमें इम्पॉर्टेंट है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है। जैसे पंखा होता है ना, पंखा जैसे टेबल फ़ैन होता है, उसमें टेबल फ़ैन की जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर हम लाइट डालें तो एक अगर उसमें हम एक स्ट्रोबोस्कोप से लाइट डालें तो अगर वो ब्लेड्स, अगर जो लाइट की फ्रीक्वेंसी पंखे की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो हमें क्या होगा कि हमें ज़्यादा उसके ब्लेड्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है, किससे कम है, जो आरपीएम है उससे कम है, तो हमें जो है एक्चुअल नंबर ऑफ ब्लेड्स दिखाई देते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पर करते हैं, इसका एप्लीकेशन करते हैं टू मेज़र द रिवोल्यूशन, मतलब जब हमें आरपीएम मेज़र करना होता है, वेलोसिटी मेज़र करनी होती है, या फ्रीक्वेंसी यानी हमें जब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर मिनट मेज़र करने होते हैं, या हमें वेग मापना होता है, या हमें आवृत्ति मापनी होती है ऑफ रोटेटिंग कंपोनेंट, एक घूमते हुए कंपोनेंट की। तो ये इसमें मेन हमारा समझने की चीज़ थी, ये मैंने आपको समझा दिया। ये इसका डायग्राम है, इसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया था कार का, कब ये रोटेट होगी, कब होगी, ये इसका हमारा मेन पार्ट था। अब हम इसको समझेंगे प्रैक्टिकली यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हो डायग्राम में जो है, एक इसमें आपको क्या दिखा रखा है, ये तो हो गया स्ट्रोबोस्कोप, ये हो गया डिस्प्ले,
इसमें हमें ये सब वैल्यूज आ जाएंगी, नॉब वगैरह दी हुई हैं आपको, ऑन ऑफ डिवाइस दी हुई है, रेंज वैल्यू सब इसमें हम सेट कर लेते हैं। तो फाइन एडजस्टमेंट और कोर्स एडजस्टमेंट के लिए इसमें सब सारे बटन दिए हुए हैं, और हम इसको ऑन करेंगे, यहाँ से लाइट निकलेगी, लाइट निकलने के बाद ये यहाँ पर आएगी। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इस पर एक मार्क लगा देते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आप शाफ्ट देख रहे हैं, इस शाफ्ट में एक हल्का सा ऐसे मार्क लगा लेते हैं, इस शाफ्ट में। तो जब इस शाफ्ट में मार्क लगा देते हैं तो इस मार्क को देखना है, यानी ये मार्क ना तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखाई देना चाहिए और ना ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखाई देना चाहिए, ये स्थिर हो जाना चाहिए। इस हिसाब से हमें जो है यहाँ पर जो है लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमें घटाना बढ़ाना है। अब देखो जी, अगर ये मार्क हमारा दिखाई दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रोबोस्कोप जो है, इसका मतलब क्या है कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इसका मतलब स्ट्रोबोस्कोप की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, स्ट्रोबोस्कोप की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इससे जो लाइट उत्पन्न हो रही है उसकी, उस मतलब स्ट्रोबोस्कोपी जो फ्रीक्वेंसी है शाफ्ट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे। अगर हमें शाफ्ट दिखाई दे रही है घूम, जो रेफरेंस मार्क घूमता हुआ दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब है स्ट्रोबोस्कोप की फ्रीक्वेंसी कम है, तो उसको फिर हम शाफ्ट की फ्रीक्वेंसी या शाफ्ट के RPM से स्ट्रोबोस्कोप की RPM है या फ्रीक्वेंसी है वो कम है, तो इसका मतलब हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा बस। तो यही एडजस्टमेंट करना है घटाने बढ़ाने का, और ये देखना है भाई ये जो रेफरेंस मार्क है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर रेफरेंस मार्क हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमें क्या करना है, स्ट्रोबोस्कोप की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करना है। अगर ये रेफरेंस मार्क हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो स्ट्रोबोस्कोप की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमें बढ़ाना है, तो ये हमें बस इसमें करना है, ठीक है ना। तो स्ट्रोबोस्कोप को हम इस तरीके से कैलिब्रेट करते हैं, डायरेक्ट हमें जो है शाफ्ट की हमें RPM हमें इसमें मिल जाते हैं, उसको हम कैलिब्रेट यानी अंशांकन करके रखते हैं इसका। तो ये एक इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर है, मैंने आपको बता ही दिया है और इसकी प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं, कहाँ पर हम इसको कैसे मार्क करते हैं, बस रेफरेंस मार्क का देखना है। जैसे ही रेफरेंस मार्क स्थिर हुआ तो डायरेक्ट हमें इसकी जो है इसमें हमें रीडिंग जो है वो मिल जाती है। एक एग्ज़ाम्पल भी मैंने समझाया आपको, चार मैंने इसमें डायग्राम दिखाए, वैल्यूज़ भी दिखाई हैं, और इसके द्वारा भी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करा कैसे कैसे इसमें स्टेप्स हैं, कैसे होता है इसमें वैल्यूज़। तो ये है इसमें, तो ये आप डायग्राम है, ये भी ये डायग्राम भी है, इसमें ये रेफरेंस मार्कर करके ये देखिए मैच हो गया जब, तो हमारी फाइनल आंसर जो आ जाता है वो ये हमारे पास ऐसी ही रीडिंग आ जाती है। ये RPM दिखा रहा है, हमारे दिखा रहा है ना 1692.4 RPM। और डायग्राम देखेंगे, और डायग्राम में आप देखेंगे कि ये जो है इस तरीके से, ये भी स्ट्रोबोस्कोप का डायग्राम है, ये भी स्ट्रोबोस्कोप का डायग्राम है, ये भी स्ट्रोबोस्कोप का डायग्राम है, ये एक जैसे टॉर्च होती है उसका डायग्राम है, ये एनालॉग स्ट्रोबोस्कोप का डायग्राम है, ये देखिए ये पंखे का डायग्राम दिखा रहे हैं, इसको देखेंगे हम। ये जो देख रहे हैं आप पंखा, पंखे का एक डायग्राम दिखा रखा है, इसमें ये मार्क लगा रखा है, ये रेफरेंस मार्क। अब ये रेफरेंस मार्क को देखना है, स्ट्रोबोस्कोप से लाइट निकलेगी वो इस पंखे पर गिरेगी इस। अब ये देखना है हमें, ये मार्क जो है, अगर ये रेफरेंस मार्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्ट्रोबोस्कोप की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है, तो हम ये ठीक है ना, यानी पंखे की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें जो है फिर स्ट्रोबोस्कोप की फ्रीक्वेंसी को कम करना है, एडजस्ट करके कम करना है। अगर ये रेफरेंस मार्क हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब स्ट्रोबोस्कोप की फ्रीक्वेंसी पंखे की फ्रीक्वेंसी से कम है, यानी फिर इस स्थिति में हमें जो स्ट्रोबोस्कोप है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। तो बस ये देखना है कि पंखे पर जो रेफरेंस मार्क लगा है वो क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये भी देखिए, ये एक्सपेरिमेंट आपको इस तरीके से दिखा रखा है, वो ये एक्सपेरिमेंट सेम। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये देखो, ये यहाँ पे जो है ये डिजिटल रीडिंग आ रही है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको जो है ये जो दिखाया हुआ है ये भी जो है लैब में यूज होता है सबसे ज़्यादा, जो MMI की लैब है उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं इसको, इसको आप देख सकते हैं। ये आपको जो लेथ मशीन है, सिंपल लेथ मशीन है, उसके उसमें जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल के ऊपर चक लगा रहता है, थ्रीजर चक लगा रहा है, सिंपल सेंट्रल लेथ मशीन है, उसके हमें RPM निकालने हैं।
तो वो हम इसको इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। देखिए ये आपकी रीडिंग आ रही है डायरेक्ट, तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें ये करना है कि इसमें एक मार्क लगा देते हैं यहाँ पर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम एक मार्क लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये मार्क जो हमने लगाया है, अब इस मार्क को हम देखते हैं कि ये जो मार्क है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सेंट्रल लेथ मशीन होती है, सेंट्रल लेथ मशीन का जो थ्रीजा चक होता है उस पर ऐसे एक मार्क लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर जो है स्ट्रोबोस्कोप को ऑन करते हैं, स्ट्रोबोस्कोप को ऑन करते हैं, फिर वहाँ से लाइट सोर्स आएगी, वो इसके ऊपर पड़ती है, फिर मशीन को ऑन कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो रेफरेंस मार्क है ये क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर ये रेफरेंस मार्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रोबोस्कोप की फ्रीक्वेंसी है वो इस चक की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमें क्या है कि इसकी स्ट्रोबोस्कोप की फ्रीक्वेंसी को कम करना है। अगर ये रेफरेंस मार्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रोबोस्कोप की फ्रीक्वेंसी इस चक की फ्रीक्वेंसी से कम है, यानी हमें स्ट्रोबोस्कोप की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। और इस तरह से बढ़ाना है, घटाना बढ़ाना या बढ़ाना है कि जो ये रेफरेंस मार्क है ये स्थिर हो जाए, स्टेशनरी हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए। जब ये स्थिर हो जाएगा तो हमें डायरेक्ट हमें जो इस चक के जो आरपीएम है वो डायरेक्ट हमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम आरपीएम को मापने का कार्य करते हैं, डायरेक्ट हमें रीडिंग मिल जाती है। देखिए जैसे इसमें आ रही है 553 आरपीएम, तो इस तरह से मैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिक इंजीनियरिंग क्लासेस। तो एक बार मैं आपको व्यू करा देता हूँ सारा जो मैंने आपको दिखाया था, तो उसको आपको समझने में आसानी रहेगी। तो ये देख लीजिए एक बार सब, सब्सक्राइब करते रहिए, इसमें और भी मटेरियल मैं ऐड करता रहूँगा। तो ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है, ये एक डायग्राम है जिसमें हमने चारों कंडीशंस देखी हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, ये इसका सर्किट डायग्राम है, सर्किट कैसे होता है इसमें हमें सर्किट डायग्राम में जितना ध्यान है, ये कार का मैंने एग्जांपल समझाया आपको। ये मेन पार्ट्स हैं इसके, ये मेन पार्ट्स हैं, ये डाइन के स्ट्रोबोस्कोप्स हैं, ये एनालॉग स्ट्रोबोस्कोप था, ये पंखे का एग्जांपल था, ये भी पंखे का एग्जांपल है, ये लैब में जो एक्सपेरिमेंट होता है वो ये वाला है। ये मैंने आपको जो आपकी मशीन शॉप होती है उसमें जो प्रैक्टिकल होता है उसमें है वो समझाया है। तो मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिक इंजीनियरिंग क्लासेस, को सब्सक्राइब करते रहिए और टॉपिक में इसमें आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। थैंक यू।